हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदेश पाटिल है और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ने से पहले मुझे आपको एक स्टोरी बतानी है। कल मेरे पास एक माताजी आई थी जिनकी उम्र लगभग 56 ईयर्स होगी। वो बहुत सारे कंप्लेंट्स के साथ आई थी, जैसे रात को नींद नहीं आना, गट इशूज़, बॉडी पेन, वीकनेस एंड हाइपरटेंशन। जब मैंने उनसे बात करनी चालू करी तो उन्होंने धीरे धीरे उनके प्रॉब्लम्स बताने चालू करे, जहाँ मुझे उनका मेन कल्प्रिट उनका ज़्यादा काम करना और सही टाइम पे सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना लेना ये लगा। जब ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो 80% पेशेंट्स के पास सही ब्लड रिपोर्ट्स नहीं होते, और एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है, क्योंकि जब हमारी मम्मी 50 ईयर्स के आसपास आना चालू हो जाती है तो उनमें मेनोपॉज के फेस चालू हो जाता है, जो उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आने चालू हो जाते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशंस को बुलावा दे सकते हैं। अगर हम इसे अनदेखा करें तो आगे जाके ये सिंपल चीज़ें डायबिटीज़, वीक बोन्स, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को बुलावा दे सकते हैं। तो करें क्या? आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पे आपको डाइट, एक्सरसाइज, क्या करें क्या नहीं करें ये सब बता देंगे। पर क्या आपकी मम्मी इन चीज़ों से गुजर रही है? इसका उत्तर मैं आज आपको देने वाला हूँ। कौन से आपको ब्लड टेस्ट कराने चाहिए? एक डॉक्टर को जो मदद करेंगे अर्ली डायग्नोसिस में। इस वीडियो में कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट है और कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट है। जो कॉमन ब्लड टेस्ट है वो अगर बीमारी नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तभी भी करा सकते हैं। तो पहला कॉमन ब्लड टेस्ट है CBC, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, जो आपके ओवरऑल ब्लड प्रोफाइल के बारे में बताएगा, जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जैसे हीमोग्लोबिन, RBC काउंट्स, WBC काउंट्स, प्लेटलेट्स रहते हैं, जो बॉडी में एनीमिया या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने के इंडिकेशंस देते हैं। अगले दो कॉमन ब्लड टेस्ट है विटामिन डी और विटामिन B12। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि 76% भारतीय विटामिन डी की कमी से और 47% भारतीय विटामिन B12 की कमी से गुजर रहे हैं। तो अगर ये आप सिंपल ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपके डॉक्टर को आपको डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी होगी। अगला ब्लड टेस्ट तो आजकल सभी कराते हैं, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट, जो हमारे ब्लड में शुगर कितना है ये बताता है। तो इसे किसे करानी चाहिए? अगर आपको शुगर क्रेविंग्स हो रहे हो, वीकनेस, एकदम से सीवियर वेट लॉस हो गया हो, लाइक 3 महीनों में 6 to 8 kgs, तो ये अर्ली साइंस है डायबिटीज़ के, तो ये टेस्ट इन डायग्नोसिस में ज़रूर कराएं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सीवियर फटीग, एकदम से वेट बढ़ जाना, बढ़ना मतलब आप बहुत कम खाना खाते हो तभी भी आपका वेट बढ़ रहा है, या फिर आपको कोल्ड इंटॉलरेंस हो रहा है, तो आपको CBC के साथ थायराइड लेवल्स भी एक बार चेक करा लेने चाहिए, क्योंकि एकदम से वेट बढ़ना या फिर कोल्ड इंटॉलरेंस होना ये कुछ अर्ली सिम्टम्स है थायराइड इशूज़ के। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें नॉनवेज खाना खाने के साथ एक दो पैक्स अल्कोहल पीना भी बहुत पसंद है। तो इन पेशेंट्स को मैं हमेशा कॉमन ब्लड टेस्ट के साथ लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट भी सजेस्ट करता हूँ, जो आपके ब्लड में गुड फैट्स, बैड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल कितना है समझ आता है। और अगर ज़्यादा मिले तो कल से आपके अल्कोहल बंद। और ये मत समझिए कि अगर आप वेज हो तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अच्छे होंगे, बल्कि नॉन वेज खाने वालों से ज़्यादा वेज खाने वालों में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं। तो ब्लड टेस्ट के साथ आपके खाने पर भी ध्यान दें। अगर आपके लगभग सभी जॉइंट्स में दर्द के साथ सूजन है तो ये दो टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं। पहला है यूरिक एसिड लेवल्स। अगर ये यूरिक एसिड आपके बॉडी में ज़्यादा हो तो आपके जॉइंट्स को तकलीफ दे सकता है। और दूसरा है RH फैक्टर, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रूल आउट करने में मदद करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर अगले वीडियो में बात करते हैं। लास्ट दो ब्लड टेस्ट के ऊपर आते हैं, जो है LFT, जिसे लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जो आपके लीवर के फंक्शंस को उसके रिलीज किए गए हार्मोन्स या फिर एंजाइम से असेस करते हैं। और दूसरा है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, जो पेशेंट्स के किडनी के फंक्शंस को असेस करता है। LFT मोस्टली लीवर के कॉम्प्लिकेशंस और अल्कोहलिक्स में मैं सजेस्ट करता हूँ, और RFT किडनी के बीमारियों में या फिर हीमोग्लोबिन जिनमें बहुत कम होता है उन्हें सजेस्ट किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये टेस्ट हमें कब कराने चाहिए, तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप कम से कम साल में 2 बार ये टेस्ट ज़रूर कराएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये वीडियो सभी तक पहुंचे। और कमेंट्स में आपके सवाल पूछ सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने का ट्राई ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।